हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आते हैं। आज मैंने वही न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो 2018 में जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तब पूछे गए थे। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आपने किए तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा और इसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उम्मीद है 5 में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम के और श्रेणी क्रम में लगाए हैं। सीढ़ी क्रम होता है और समांतर क्रम होता है। तो सीढ़ी क्रम में आपको मैं बताता हूं कैसे लगाएंगे। ये प्रतिरोध हो गया और ये एक प्रतिरोध हो गया और ये बैटरी हो गई इसकी, ठीक है। तो 10 ओम और 20 ओम, ये 10 ओम का है और ये 20 ओम का है। इसको बोलते हैं सीढ़ी क्रम। सीढ़ी मतलब जो लाइन से जाए, लाइन में जाए। अगर यहां से सप्लाई आपने काट दी तो लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब यहां पर अगर आपने पंखा लगा रखा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से लाइट होके जाएगी तभी तो यहाँ पे आएगी। तो सीढ़ी क्रम जो होता है वो ज्यादातर बेकार होता है। अगर आपका एक उपकरण बंद हो गया तो दूसरा उपकरण भी बंद हो जाएगा। और बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट। तो 10 ओम है, 20 ओम है। तो प्रतिरोध को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सीढ़ी क्रम में क्या होता है? R1 + R2 बहुत ईजी होता है। तो 10 + 20 तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमारे पास जो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30। और वोल्ट कितना दे रखा है आपको? 6। और पूछा क्या गया आपसे कि विद्युत धारा बताइए। तो एक हमने आपको बताया था फॉर्मूला V = IR होता है। बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो बी आपको कितना दे रखा है? बी आपको दे रखा है 6 और आर दे रखा है 30। तो 1/5 मतलब 0.2 हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, बी बराबर आई आर क्या होता है? ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। ये संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक हैं। तो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। समांतर रूप में देखिए कैसे जुड़ेंगे इनको, ऐसे। और यहां पर आगे क्या जुड़ा है? 10 ओम का एक तीसरा प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब यहां पे ऐसे करके ये फिगर आपको ड्रॉ होगा कि समांतर क्रम क्या होता है। यहां अगर यहां से सप्लाई आ गई और आगे नहीं बढ़ पाई तो घूम के आ जाएगी यहां से। तो समांतर क्रम ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक हैं। तो 10 ओम का यहां भी है और एक 10 ओम का यहां भी है। और ये 10 ओम का क्या लगा है? श्रेणी क्रम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यार, तो समांतर क्या होता है? लंबा लंबा। समांतर क्या होता है? लंबा लंबा। 1/R1 + R2। तो R1 आपका ये हो गया और R2 ये हो गया। ये R3 है। R1 हो गया 1/10 और प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5 1/R। तो इसको हम क्या करेंगे? पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 5। आर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? टोटल प्रतिरोध कितना हो गया हमारे पास? 5 ओम। और 10 ये है तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 ओम का। 10 ओम ये और 5 ओम ये निकाला तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 ओम। बस अब सवाल हमारा इजी हो गया क्योंकि 15 ओम निकाला है। अब दे रखा है कि संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध कितने बराबर होगा, बस यही पूछा गया है। संयोजन मतलब हो गया कि ना पॉइंट, उनका समकक्ष प्रतिरोध, समकक्ष मतलब टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? तो 15 हो गया, बस यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत बल 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। एक बल्ब है और वो 220 वोल्ट का है, मतलब बी आपको वी दे रखा है, 220 वोल्ट से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा जो है वो 50 एम्पियर है, पॉइंट 50 एम्पियर, ठीक है। ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आपसे पूछा गया बल्ब कितने पावर का है, मतलब आपसे पावर पूछी गई है। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, P बराबर होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI। तो हमें बस अब इजी हो गया, P बराबर कितना दे रखा है? 220 इंटू 0.50। पॉइंट आएंगे 100 आएगा, नीचे से नीचे कैंसिल, 22 बनते 110। 110 हमारा क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा इसका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फार्मूला याद करते रहिए, P बराबर IR। और भाई दो मैंने फार्मूले बनाए, कौन कौन से बनाए? P बराबर
वी आई बताया है और एक बताया है आपको वी बराबर आई आर। यहां पे पी क्या है, पावर है, वी वोल्ट है और आई एम्पियर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दे रखा है किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है तो 3 दिन में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको अपने घर पे निकालना है कि कितने यूनिट बिल आपका आएगा तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यूनिट बराबर वाट इंटू घंटे इंटू दिन ऑफ, ये निकलता है किलोवाट में तो 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो बस या आप शॉर्ट ट्रिक ये मान लो जितना भी आपको दे रखा है सबसे गुणा कर दो और नीचे 1000 से भाग कर दो, तो 100 वाट घंटे कितने हैं 5 और 3 कितने हैं 3, भाग किससे करेंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुनी 10 मतलब कितना आ जाएगा 1.5 किलोवाट, मतलब 1.5 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 यूनिट, मतलब एक आपका अगर इतना सब कुछ यूज करोगे तो कितना यूनिट बनेगा 1.5 यूनिट। तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 वाट के एक बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, सेम क्वेश्चन, यदि एक यूनिट बिजली का खर्च 4.40 पैसे रुपए हो तो 30 दिन में कुल कितना खर्च आएगा। ऐसा क्या होगा कभी आपसे यूनिट पूछेंगे या फिर दे देंगे एक यूनिट की वैल्यू इतने रुपए है तो क्या करो आप उसको मल्टीप्लाई करा दो, मतलब जितना यूनिट निकला और एक यूनिट जितने की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा दो। कैसे कराना है देखो, 200 वाट मल्टीप्लाई 5 घंटे और 30 दिन डिवाइड बाई 1000, तो 200 × 1000 5 से 5 कट मार दिया, अब कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 को क्या करना है 30 यूनिट आ गया और एक यूनिट कितना है आपका 4.40 रुपए, पॉइंट आया 2 जीरो बढ़ा दिया, 3×4=12 उसे लगाइए 3×4=12 = 13, तो टोटल बिल कितना आएगा बहुत कम आएगा भैया 132 रुपए आएगा। तो ये रहे 5 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रहा है तो 100 लाइक्स होने चाहिए तब मैं इसका पार्ट बी बनाऊंगा। प्लीज़